मेरा नाम है जादे बाशमी और ये है सुजुकी स्विफ्ट 2019 मॉडल। पाकिस्तान में सुजुकी स्विफ्ट आई थिंक 2010 से 2012 के बीच में लॉन्च की गई थी और लॉन्च होते ही इस गाड़ी ने पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से अपनी मार्केट बनाई थी। ये पहली गाड़ी थी जो कि हैचबैक और 1300cc गाड़ी थी जो कि पाकिस्तान में लॉन्च की गई। तो बींग 1300cc एंड हैचबैक कार, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस जो थी वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस गाड़ी ने काफ़ी तेज़ी से अपनी मार्केट बनाई। इनिशियली इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए थे पाकिस्तान में, 1000cc और 1300cc। 1300cc वाज अ ह्यूज सक्सेस इन पाकिस्तान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ द कार। इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी डिसेंट है जो कि सिंपली ब्लैक थीम को फॉलो करता है। स्पोक्स, इस गाड़ी में 3 स्पोक स्टीयरिंग आता है जिसमें कोई एयरबैग नहीं है और ना ही कोई मल्टीमीडिया ऑप्शंस हैं ऑन नाइदर स्पोक्स। इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी खूबसूरत है विद 2 डायल्स इन इट। मेन डायल जो है क्रोम की गार्निश के साथ, ये स्पीडोमीटर है और लेफ्ट पर जो डायल दिया गया हमारे पास ये RPM का है। राइट पर हमारे पास जो मेन डायल एक और दिया गया है उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि फ्यूल गेज और गाड़ी का टेम्परेचर गेज। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो उसमें यहाँ पर ये गियर्स इंडिकेटर भी दिए जाएंगे, PRND 3-2 और लो। उसके अलावा सेंटर में हमारे पास यहाँ पर एक TFT डिस्प्ले है, TFT जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें शो होती हैं जैसे कि गाड़ी की ऑडोमीटर, गाड़ी की ट्रिप्स, गाड़ी की एवरेज किलोमीटर पर लीटर और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ओवरऑल मीटर की लुक काफ़ी खूबसूरत है। गाड़ी के डैशबोर्ड 2 लेयर्स में आता है। जो अपर लेयर है उसमें सेंटर में यहाँ पर एक क्लॉक दी गई है आपको और ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ये इमोबिलाइजर की गई है। उसके बाद ये जो सेकेंड लेयर है और मोस्टली इसका डैशबोर्ड प्लास्टिक का है विद लेदर फिनिश, लेदर के टेक्सचर में है। उसके बाद अगर इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात की जाए तो इसमें सेंटर में दो एयर वेंट्स आते हैं, दो सेंटर में और दो साइड्स पर, और साइड एयर वेंट्स के साथ भी क्रोम की गार्निश दी गई है जो कि इसको गाड़ी को लग्जरियस लुक देती है काफ़ी। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में 7 इंचज़ का एंटरटेनमेंट स्क्रीन आता है जो कि इस गाड़ी के डैशबोर्ड के लिहाज से काफ़ी ह्यूज है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि ब्लूटूथ, CD, AUX, उसके अलावा यहाँ पर आप अपना GPS का कार्ड डालकर GPS इनेबल कर सकते हैं, SD कार्ड का स्लॉट, बाकी USB स्लॉट और ये रिमोट का सेंसर दिया गया है। बाकी ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, आई गेस इसमें ये एंड्रॉयड पैनल आता है। उससे नीचे अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर ये क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स गिवन है, मैनुअल सेंटर वाला नॉब एयर फ्लो का है जिससे आप एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। लेफ्ट पर हमारे पास नॉब जो गिवन है ये क्लाइमेट, ये इसका हीटर ऑन या ऑफ का है। राइट पर जो नॉब हमारे पास गिवन है ये मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स के एयर हवा कहाँ से बाहर आएगी। ये हमारे पास AC का स्विच, ये गाड़ी के इनर एयर का स्विच, ये गाड़ी के रियर विंडशील्ड डिफॉगर का स्विच और ये हमारे पास एक मैनुअल स्विच गिवन है यहाँ पर। उससे अगर हम नीचे आ जाए हमारे पास यहाँ पर ये स्टोरेज कंपार्टमेंट गिवन है जिसमें आपको अपना वॉलेट या फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद उससे पीछे हमारे पास यहाँ पर ये इस गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर पैनल गिवन है। इस गाड़ी में 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है, PRND 3-2 and low। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर ये एक सिग्नल लाइटर गिवन है 12 वॉट्स का। यहाँ पर हमारे पास 2 कप होल्डर गिवन है जिसमें ये एक क्लिप दिया जाता है कि अगर आपका कप छोटा भी है तो ये उसको ईजीली होल्ड कर। उससे अगर हम पीछे आ जाए हमारे पास यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल गिवन है। इस गाड़ी में ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक आती है जिसकी टिप को क्रोम की गार्निश से कवर किया गया है जो कि इसको एक अच्छी लुक देती है। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लैंक स्विचेस गिवन है जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर ये एस्ट्रे दी गई है कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड। उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो इस गाड़ी के डोर पैनल्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। ओवरऑल ये प्लास्टिक के हैं। यहाँ पर ये एक ग्लॉसी वुड की ट्रिम दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक देती है, लग्जूरियस। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स भी क्रोम में हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो इस गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है इसको भी फैब्रिक, टेक्सचर फैब्रिक के साथ कवर किया गया है। उससे नीचे हमारे पास यहाँ पर ये कोई बुक होल्डर के लिए स्टोरेज कंपार्टमेंट है, बुक्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। इस गाड़ी में 2 स्पीकर्स आते हैं फ्रंट पर। बैक पर हमारे पास स्पीकर इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है लेकिन ये इसमें स्टैंडर्ड नहीं आते। डैशबोर्ड में यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पर लोकेटेड है। सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है, बाकी तीनों विंडोज मैनुअल हैं। उसके नीचे हमारे पास लॉक या अनलॉक के बटन दिए गए हैं, ये विंडो अनलॉक, ये लॉक का बटन और ये हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल्स हैं साइड मिरर के शीशे के। उससे आगे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर 2 ब्लैंक स्विचेस गिवन हैं और ये सेंटर में फॉग ऑन या ऑफ का बटन दिया गया है। एयर वेंट्स के साथ भी ये क्रोम की गार्निश दी गई है
और एयर वेंट्स भी आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इस गाड़ी की स्टीयरिंग असेंबली भी नॉर्मल है। यहाँ पर ये लाइट्स के कंट्रोल्स हैं और ये यहाँ पर विंडशील्ड वॉशर के। इस गाड़ी में भी वैनिटी मिरर्स नहीं आते। सुजुकी वैनिटी मिरर्स पता नहीं क्यों नहीं ऑफर करता, नाइदर फॉर ड्राइवर नॉट फॉर पैसेंजर। उसके अलावा सेंटर में कैबिन में यहाँ पर ये लाइट्स दी गई हैं। और इस गाड़ी में एक चीज़ जो होनी चाहिए थी और नहीं है वो है एयरबैग्स। इस गाड़ी में ना ही स्टीयरिंग में एयरबैग आता है ना ही डैशबोर्ड में। रियर पैसेंजर्स के लिए भी इस गाड़ी का रूम कोई ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है। मेरे पास लेग रूम भी बस सफिशेंट है और हेड रूम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। बीइंग हैचबैक कार इसमें हेड रूम का कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए भी स्पेस काफ़ी ठीक है। यहाँ पर दो एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। अगर तीसरा एडल्ट बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बैड फ्लैट नहीं है। उसके अलावा बात की जाए अगर इस गाड़ी की डोर पैनल्स की, तो इस गाड़ी के डोर पैनल्स भी फ्रंट डोर पैनल्स की तरह के ही हैं। यहाँ पर ऊपर मोस्टली ये प्लास्टिक है। सेंटर में हमारे पास वुड की ट्रिम दी गई है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देती है डोर पैनल को। डोर हैंडल्स भी क्रोम में हैं और बैक पर ही हमारे पास दो स्पीकर के स्लॉट्स आते हैं। रियर विंडोज़ भी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक हैं, फॉरवर्ड हैं। उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल हैं जिनको आप फोल्ड कर ट्रंक स्पेस को काफ़ी यूज बना सकते हैं। सीट बेल्ट इस गाड़ी में दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए आती हैं और हेडरेस्ट भी इस गाड़ी के एडजस्टेबल हैं। अगर बैक पर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्रंक के ऊपर एक लिड दी गई है जिस पर आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं और हैंडरेस्ट भी दोनों पैसेंजर्स के लिए आते हैं रेयर पर। और लेफ्ट पर सिर्फ पैसेंजर की सीट के पीछे हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। बाकी डोर्स में हमारे पास यहाँ पर कोई बॉटल होल्डर या कप होल्डर या कोई इस तरह का स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं आता। इस प्रकार होते हुए भी इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक लैश गेवन है बटन जिसको आप प्रेस करके ट्रंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ट्रंक सेपरेटर गेवन है जिससे आप उठाकर ट्रंक को सेपरेट कर सकते हैं कैबिन से। और नीचे आपके पास यहाँ पर एक लिड दी गई है जिसको उठाकर आप स्पेयर टायर और टूल किट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके ट्रंक में भी टू लेयर्स हैं, एक ये कारपेट और उसके बाद एक ये ऊपर, उसके बाद एक और ट्रंक में। और ये ट्रंक का सेपरेटर और इस गाड़ी की रेयर सीट्स को भी फोल्ड कर आप इस गाड़ी के ट्रंक को और भी यूज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट पर दिए गए दो लैशेस को पुल कर। यहाँ पर एक और लैश दिया गया है जिसको पकड़कर आप ट्रंक को बंद कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की लुक काफ़ी खूबसूरत है जिसकी वजह से इस गाड़ी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था पाकिस्तान में लॉन्च होते साथ ही। रियर लाइट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत हैं। फ्रंट पिलर्स भी इस गाड़ी के ब्लैक मैट के कॉम्बिनेशन के साथ दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी डायनामिक लुक देते हैं। फ्रंट ग्रिल इस गाड़ी की दो क्रोम गार्निश के साथ है और इस गाड़ी में फॉग लाइट्स भी स्टैंडर्ड आती हैं। इस गाड़ी की हेडलाइट्स में सिंगल ही पॉइंट आता है और उसके ऊपर इंडिकेटर और यहाँ पर एक पार्किंग लाइट भी दी गई है और ये नीचे वाली ग्रिल एयर इनटेक के लिए। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में 1.4 लीटर डॉग इंजन आता है। टेक्निकली इस गाड़ी का इंजन 1308 सीसी इंजन है तो इसको 1400 सीसी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। दिस कार कम्स विद ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट 16 वोल्ट इंजन एंड 4 सिलेंडर व्हिच प्रोड्यूसेस 68 हॉर्स पावर एट 600 आरपीएम एंड 130 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क एट 4000 आरपीएम। बी का हैचबैक कार इस गाड़ी के लिए ये स्पेसिफिकेशन इंजन की काफ़ी यू नो मैसिव हैं। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये गाड़ी कहीं से भी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी। इवन इस 1300 सीसी गाड़ी की 1300 सीसी लिखी गाड़ियाँ जो है डिफरेंट उनको भी ये कहीं से भी अपने साथ नहीं आने देती, नड़े भी नहीं खाने देती। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार। गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड एड जो आता है वो है योकोहामा का DB एडवान जो कि एक इम्पोर्टेड ब्रांड है और ये काफ़ी अच्छा टायर है। इस गाड़ी का टायर साइज जो है वो है 185, 60 और 15। इस गाड़ी में 15 इंच का लॉरिम आता है स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में जो इस गाड़ी की प्राइस है वो है 16,91,000 रुपये। ऑन रोड आते आते रजिस्ट्रेशन करवाकर आपको ये गाड़ी तकरीबन 17 से 18 लाख रुपये तक की पड़ सकती है। ये था रिव्यू सुजुकी स्विफ्ट 2019 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप स्विफ्ट ऑनर हैं तो बाकी स्विफ्ट ऑनर्स को या जो लोग स्विफ्ट देने वाले हैं
उनको अपनी राह से आगाह जरूर कीजिएगा कि इस गाड़ी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या ओवरऑल इस गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। तो अपना ख्याल रखिए।